हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 ए चल रही थी। वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए क्वेश्चन नंबर 43 तक, ठीक है। उन 43 तक जितने वीडियो अपलोड कर दिए हैं उनके सारों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्वेश्चन फिगर गिवन है। इन ए गिवन फिगर एसी इज द डायमीटर। एसी क्या आपका डायमीटर, ठीक है। सर्किल विद द सेंटर ओ सी डी एंड बी ई पैरेलल। सी डी किसके पैरेलल है, बी ई के। एंड एंगल एओबी इक्वल टू 80 डिग्री एंड एसीई इक्वल टू 10 डिग्री। ये निकालना, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपको निकालना है। बी ई सी ये है कहां पे, देखिए बी ई सी ये BEC ये निकालना है। ये कब आ जाएगा, जब ये आ जाएगा। ये कैसे होगा, ये आपका डायमीटर है, ये 80 है तो ये 100 हो गया। लीनियर पेयर से एक वैल्यू आ गई होगी। इसी का ये हाफ होगा तो ये लीजिए 50 आ गया, फर्स्ट तो आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूं। BCD ये 50 है तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये कितना हो गया आपका 50। समझना, थोड़ा लिखने वाला काम कर लेंगे अपन। ये 10 तो 60 हो गया। अब यदि ये वाली वैल्यू आ जाए तो काम हो जाएगा पूरा। ये कैसे आएगा, इस आर्क से सेंटर पे सबस्टेंड एंगल कितना है 80 और इसी आर्क से रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना आपका ये वाला, तो इसी का हाफ होगा ये, तो ये 80 है तो ये कितना आपका 40, तो ये टोटल कितना हो गया 100 हो गया। ये निकालना था। अब देखो ये क्या निकालना है, सीईडी। यदि मैं बीसीडीई को साइक्लिक बोल दूं तो ये 100 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 180 माइनस 100 करोगे तो 80 में से 50 को आप माइनस कर दोगे तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 50, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 100 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 30। ये तो था डायरेक्ट, लिखने वाला काम देखिए। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को निकालूं तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है। उसके बाद में एंगल एओबी की वैल्यू 180 वो इधर जाएगा तो एंगल बीओसी की वैल्यू 180 माइनस 80 इक्वल टू एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री यहां से आ जाएगी। ये 100 है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे आर्क ले लो या फिर लाइन सेगमेंट ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। मैं आर्क क्लिक कर देता हूं, आर्क बीसी। इस आर्क से सेंटर पे एंगल आपका ये है, इसी का हाफ होगा तो मैं ये एंगल ले रहा हूं ना, एंगल बी ई और सी, ये किसका हाफ होगा, हाफ इंटू एंगल बी ओ सी का होगा। तो देखो एंगल बी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू 100 डिग्री, तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल बी ई सी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, कितनी डिग्री आ गई 50 डिग्री आ गई। अब ये 50 है तो ये भी तो 50 है तो मैं लिख सकता हूं, सेकंड फाइंड आउट करेंगे हम। सेकंड में देखो क्या लिखे, सी डी पैरेलल टू बी ई, एंगल BCE इक्वल टू एंगल BEC इक्वल है, क्यों इक्वल है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, एंगल इक्वल हो गया। चलिए तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना, 50 डिग्री, एक तो आ गया। अब मैं इसको निकालता हूं, इसका इस आर्क को ले लो, आर कौन सी ए बी, आर कौन सी ए बी, यहां पे कौन सी ली थी बीसी, ठीक है। इस आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है 80, और इसी आर्क से इस पे एंगल कौन सा बन रहा है ये वाला। तो मैं डायरेक्ट ये ले रहा हूं, एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ होगा सेंटर पे एंगल कौन सा है ए ओ बी का, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ इंटू वन यानी 80 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना है किस एंगल की वैल्यू, एंगल बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बी सी डी 50, ये 50, फिर कौन है 10 है ये 10, फिर कौन है 80, यानी ये पूरा कब होगा, जब 50 प्लस 10 प्लस 40 आ जाए तो ये प्लस में आपका 40, इन सबको आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी 100, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 100 हो गया। अब मुझे निकालना ये वाला एंगल, ये कैसे आएगा, ये पूरा निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये मैं पूरा निकाल देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे निकाल देता हूं, ठीक है ना। देखो क्या लिखे, बी सी डी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रेट एरिया, ये साइक्लिक है, तो एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल ई की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है देखो 180 डिग्री माइनस 100, सी की वैल्यू कितनी है 100, ये माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 80 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। मुझे फाइंड आउट करना है किस एंगल की वैल्यू, सी ई डी की, सी ई डी की वैल्यू निकालनी है इस पूरे में से, ये पूरा कौन सा है ई है, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इसको, इसकी वैल्यू कौन सी है एंगल बी ई सी, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 50, ये लीजिए तो आंसर कितना आ गया 30 डिग्री, ऐसे में इसको भी निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 45 में गिवन फिगर है, ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ए की आपका डायमीटर है, एंड राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई, आपको न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है इसका सम और सी डी और इसका सम, इन दोनों की वैल्यू का सम बताना है, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं इसे सेंटर से इस पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन में लिख देना आप, ठीक है, ये तो मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि ओसी, ओसी परपेंडिकुलर किस पे, ए पे, एक चीज तो ये होगी, और ज्वाइन करवा देते हैं मैं इस चीज को, ज्वाइन एसी एंड इसको सीई को, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब अपन वैल्यू निकालते हैं, देखो सबसे फर्स्ट मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू देखना ध्यान से, यदि मैं ए बी सी ई आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा, ये एंगल कब आएगा जब ये हो सेंटर पे, तो ये तो आ गया 90 और ये 90, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल या फिर लिख दो इसे OC परपेंडिकुलर AE, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल COE इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस आर्क से सेंटर पे सबस्टेंड एंगल, आर्क कौन सी या लाइन सेगमेंट बोल दो, एक ही बात है, वैसे मैंने आपको बार बार वही बता रहा हूं,
लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, एसी लाइन सेगमेंट, ये लीजिए, इससे सेंटर पे एंगल कौन सा है, एओसी, सेंटर पे कौन सा एंगल है, एओसी इक्वल टू रिमेनिंग, ये तो है आपकी यहां पे, है ना, ये इसी आर्क से सेंटर पे और इसी आर्क से रिमेनिंग सर्कुम्फ्रेंस पे आपका एंगल कौन सा है, उसका डबल होगा, तो ए ई सी, इसकी वैल्यू कितनी, 90 डिग्री इक्वल टू टू ऑफ एंगल ए ई सी, याद रहेगा। यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई, 45 वैल्यू आ गई। अब देखो लिख सकते हैं अपन ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड क्यों है, क्योंकि ये चारों पॉइंट सर्किल की सर्क्यूम्फ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इन दोनों की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, और इसकी वैल्यू है कितनी, 45 डिग्री, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए बी सी इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 35 डिग्री आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाएगी। सिमिलरली या सिमिलर सेम आप यही कंसेप्ट इसमें लगाओगे इससे, तो सेंटर पे एंगल कितना, 90, इसी से सर्कुम्फ्रेंस में एंगल कितना, 45, तो ये 45 है तो ये कितना आ गया, 135, तो सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल निकालना था उसी के लिए देख लो सी डी ई कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, एडिंग इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू 135 प्लस 135 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक है, तो देखिए 46 को, फिगर आपको गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, एक सर्किल गिवन है, ये लीजिए एक सर्किल, ठीक है, इस सर्किल में ये डायमीटर आपका एसी डायमीटर है और ये आपका ओ, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ई डी, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट और आपका बी, ये लीजिए, ठीक है, और ये एंगल कितना है, 64 डिग्री है, तो गिवन सबसे पहले आपको गिवन है कि एओसी डायमीटर है, लिख दीजिए एओसी इज ए, है ना, इज द डायमीटर, इज ए डायमीटर, ये लीजिए, और एसी पैरेलल टू ईडी, ये गिवन में है, आप अलग से लिख देना इसको, ये लीजिए मैं लिख देता हूं, फिर एंगल सी बी ई इक्वल टू 64 डिग्री, कैलकुलेट जो करना है वो क्या है आपका, एंगल डी ई सी निकालना आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, तो देखिए ध्यान से इसको, तो मैं रह देता हूं एक बार, आप इस पे भी गौर कीजिए,
ठीक है, देखो मैं ज्वाइन करवा दूं इस लाइन को, क्योंकि आपको निकालना है क्या, DEC निकालना है, DEC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल किसके इक्वल, इस वाले के इक्वल, क्यों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और ये वाला एंगल यदि मैं इस आर्क से ये वाला एंगल ज्वाइन करवा दूं तो ये पूरा तो कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में से ये माइनस कर दोगे तो ये कितना हो गया, 26 डिग्री हो गया। तो इस आर्क से ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कंसेप्ट यहां पे लगाऊंगा, तो ये आपका एंगल कितना हो गया, 26। ये 26 है तो ये भी कितना हो गया, 26। ये आपका आंसर लीजिए। अब लिखने का काम है, देखो ज्वाइन AB, देन ये भी लिख देता हूं मैं, AOC इज ए डायमीटर, तो एंगल ABC कितना है, 90, ठीक है ना। एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। चलिए आपको निकालना है एंगल ABE निकालना है, तो इस पूरे में से ये पूरा कौन सा है, एंगल ABC है, इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो माइनस एंगल CBE को आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू 90 -64, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी, 26 आ जाएगी। तो एंगल ABE की वैल्यू आ जाएगी ये। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट में आपको आर्क ले लीजिए, लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है ना, बनानी पड़ेगी लाइन, तो आर्क ले लेता हूं मैं। आर्क कौन सी, ये वाली आर्क, ठीक है ना, आर्क AE। इससे सबस्टेंड एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला है, और इसी आर्क से सबस्टेंड एंगल एक ये है, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ACE इक्वल होगा एंगल ABE के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, लिख देना है ना, सेम आर्क से सबस्टेंड एंगल इक्वल होते। तो एंगल ACE की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 26। इक्वेशन नंबर सेकंड आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। अब आइए यहां पे, आपको निकालना था ये वाला एंगल DE, ये वाला, तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल, ये क्यों इक्वल है, दोनों लाइन पैरेलल है, यानी AC पैरेलल टू ED, तो एंगल DEC इक्वल टू एंगल ACE, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है उसका रीजन जरूर लिखना, क्योंकि एंगल ये कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल DEC इसकी वैल्यू कितनी है, 26 डिग्री। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ये आ जाएगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिगर आपको गिवन है, उस फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। फोर्टी सेवन है ना, ये लीजिए,
इसको आप बना लेना भाई, ढंग से बन जाएगा ये आपसे, ठीक है ना। ये लीजिए, ठीक है ना, सपोज देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका क्यू है, ये डी है, ये सी पॉइंट, ये 85 डिग्री, ये ए बी और ये पॉइंट आपका पी है। इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल आपको निकालना है, फर्स्ट में तो निकालना है क्या, एंगल बी ए डी, सेकंड आपको निकालना है एंगल डी क्यू बी, डी क्यू बी निकालना है। तो निकाल देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए ये क्यों था आपका यहां पे, ये लीजिए, ठीक है। देखो निकालना है क्या मुझे, बी ए डी निकालना है, बी ए डी निकालना है, ये वाला निकालना है। ये कब आ जाएगा, जब ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ना ऐसे हो जाएगा, इस ट्रायंगल को ले लूं मैं, ये निकालना ना आपको, ठीक है ना, यही निकालना बी ए डी, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, कौन सा ट्रायंगल, या देखो इन ट्रायंगल ए डी पी के अंदर आपको ये निकालना है, तो एंगल ए डी पी प्लस एंगल ए पी डी प्लस एंगल, ये इसका नाम बी ले लो, या फिर एक बार ऐसे बोल दो पी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तीनों एंगल की वैल्यू कितनी 180, ये वैल्यू कितनी 85, ये कितनी 40, प्लस एंगल पी ए डी को क्या लिख सकता हूं, बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को एड कर दूं तो 125 हो गया, माइनस कर दीजिए तो 55, तो एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। कौन सा आ गया एंगल, ये वाला आ गया 55। आपको निकालना कौन सा है, ये वाला डी क्यू बी, ये वाला निकालना है। ये कब आएगा, जब ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है, तो इन दोनों का सम कितना 180। तो लिख देता हूं मैं सेकंड निकालने के लिए, इन या इन क्या, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब ये देखो ए डी सी की वैल्यू है 85, वो इधर आएगी, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 85 माइनस 180 माइनस 85 इक्वल टू 95 आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आ गई। फिर इन ट्राइंगल ए क्यू बी, देखो इसकी वैल्यू आ गई, तो इन दोनों का सम माइनस कर दो 180 में से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी प्लस एंगल, चलो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये प्लस ये प्लस ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है 55, या फिर आप लिखो तो लिख देना इसे, ये कौन सा आपका डी ए बी, ठीक है, पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, ये लीजिए, प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू कितना 180 डिग्री। आपको निकालना ये, तो ये रियल में कितना है, डी क्यू बी है, तो इसको लिख दीजिए, एक ही बात है ना, डी क्यू बी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 55, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 95 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी क्यू बी इक्वल टू 180 माइनस, इसको आप ऐड कर दोगे तो 100 यानी 150, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 30 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 48 में फिगर आपको गिवन है और फिगर में इन गिवन फिगर एओबी इज ए डायमीटर, एओबी क्या आपका डायमीटर है, ठीक है। तो ठीक है ये डायमीटर हो गया एंड डीसी पैरेलल टू एबी, ये डीसी इस एबी के पैरेलल है एंड सी ए बी इक्वल टू एक्स डिग्री, आपको सी ए बी एक्स डिग्री, फाइंड द इंटरम ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ बी फर्स्ट डी ओ सी सेकेंड थर्ड डी ए सी एंड ए डी सी, आपको इन एंगल की वैल्यू निकालनी है, किस टर्म में निकालनी है, एक्स वाली टर्म में निकालनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको ये निकालना सी ओ बी, ये है यहां पे सी ओ बी ये वाला, देखो यदि ये सर्किल बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, ऐसे तो बनेगा ठीक है। तो इस आर्क से सेंटर पे एंगल ये बन रहा है और ये वाला एंगल इसका डबल होगा, है ना। तो ले लेता हूं मैं आर्क कौन सी बीसी, इस आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा सी ओ डी सी ओ बी, ये सर्कमफेरेंस पे सबस्टेंड एंगल का क्या होगा डबल होगा, किसका सी ए बी का, ये एंगल आ जाएगा सी ओ बी इक्वल टू टू ऑफ एक्स डिग्री, ये लीजिए एक तो आ गया ये 2x हो गया। अब देखना ये रेडियस है सर्किल की, ये भी तो रेडियस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर ये वाली लाइन इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा किसके x डिग्री के, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 2x। उसके बाद में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये टोटल 2x है तो ये कितना हो गया 2x हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है डी ओ सी की निकालनी है, तो जितना मैंने किया उतना लिख देता हूं मैं। तो देखो सेकंड फाइंड आउट करूं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी क्या लिखोगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल लिख देना इसको, ठीक है ना, ये लिखिए। तो इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, इसका अपोजिट एंगल कौन से है यानी इस साइड का ये वाला एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये इक्वल होंगे और ये कितने डिग्री के एक्स डिग्री के हो जाएंगे। अब ये ए बी पैरेलल है किसके, या मैं इसे लिख सकता हूं डी सी पैरेलल टू ए बी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए ओ, क्यों इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है इतना काम हो गया। आगे देखिए तो एंगल ए सी डी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स डिग्री हो जाएगी, ठीक है ये एक्स हो गया ये टू एक्स हो गया, ठीक है और ये एक्स हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई ये सेकंड हो गई। तो देखो ये एक्स है तो ये टोटल एक्स, ये भी एक्स तो ये टोटल कितना हो गया, यानी एंगल इसको लिख देता हूं मैं ओ सी डी, ओ सी डी ये टोटल कितना हो गया एक्स, ठीक है ना एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू टू एक्स डिग्री, तो एंगल ओ सी डी की वैल्यू कितनी आ गई ये आ जाएगी। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड वापिस इक्वल हो रही है, यानी ओ सी किसके इक्वल ओ डी के, ये भी क्यों इक्वल लिख देना कि रेडियस ऑफ सेम सर्किल की सेम सर्किल की रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से ये वाला नाम ओ डी सी, ये किसके इक्वल ओ सी डी के, इन दोनों की वैल्यू कितनी 2x आ गई, तो ये भी 2x हो गया। अब लीजिए इन ट्राइंगल कौन सा सी ओ डी को, सी ओ डी को आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, तो एंगल
डी ओ सी प्लस सी ओ डी, ये तो हो गया, ये ओ सी डी एंगल, ओ सी डी प्लस सी डी ओ, या फिर ओ डी सी, एक ही बात है, एंगल ओ डी सी है ना, एक ही बात है, ओ डी सी लो या फिर सी डी ओ लो, एक ही बात है। इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 है। जानते हैं अपन कि ट्राइंगल की तीनों एंगल की का सम कितना, 180। तो डी ओ सी प्लस ये कितना 2x डिग्री, और ये कितना 2x डिग्री, इक्वल टू कितना 180। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2x प्लस 2x कितना 4x, उधर जाएगा कितना माइनस का 4x डिग्री, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्या निकालना है, डी ए सी निकालना है, ये कहां पे डी ए सी ये वाला निकालना है। अब ये कैसे आएगा वो देखो, ठीक है, आ जाएगा ये भी, क्योंकि ये, हाँ ऐसे लो, देखो इसको भी कैसे निकालें पर, ये तो 2x हो गया और ये आपका x है ना, हो जाएगा इस ट्राइंगल ले लो ए डी सी को, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, देखो 3 वाले को, इन ट्राइंगल कौन सा ए डी सी, इस ए डी सी में ये वाला निकालना है, तो एंगल डी ए सी प्लस ये कितना आपको, अच्छा ये तो है ही नहीं ना अपने पास में, तो देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। एक मिनट को आप थोड़ा सा इसको मैं हल सोल्व कर देता हूं, ये वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस का 4x डिग्री आ गई। तो मैं ये वाला निकालूं तो इससे भी काम तो हो जाता है, वैसे हो जाएगा, आपको निकालना है ए डी सी निकालना है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं, ठीक है, और ये कैसे आएगा, पूरे 180 में से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, आपको ये निकालना है तो ये आ जाएगा, तो ये पूरा वैसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। डी ए सी निकालना है मुझे, कौन सा, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, देखो कंसेप्ट नहीं आ रहा है थोड़ा सा, है ना, इससे एंगल सेंटर पे ये है, हाँ आ गया ना, देखो यानी ऐसे लो आप इसको, लाइन सेगमेंट ले लो, कौन सी लाइन सेगमेंट, डीसी को, डीसी को लूं तो इस डीसी से सेंटर पे सबस्टेंड एंगल कौन सा है, एंगल सी ओ डी या फिर डी ओ सी, डी ओ सी ले लेता हूं, लिया हुआ है डी ओ सी इक्वल टू, ये डबल होगा किसका, डी, देखो इस सेंटर से ये वाला एंगल, ये डबल होगा इस एंगल का, कौन सा एंगल, डी ए सी का। अब इस एंगल की वैल्यू कहां पे है वो देखो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से, ये कितना 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए सी डी, फिर 2 ऑफ एंगल या एंगल डी सी ए सी, डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए तो ये 90 डिग्री, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना 2x डिग्री, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, डी ए सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 90 माइनस 2x आ गया, आपको निकालना है ये 180 डिग्री कौन सा, ए डी सी, ये पूरा निकालना है मुझे, तो ये देखो यहां पे निकाल देता हूं, है ना, फोर्थ इन ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, देखो इसी को लिख रहा हूं मैं,
तो ये प्लस ये इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री, तो प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस का 2x, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होगा। देखिए ध्यान से, एंगल ADC प्लस ये तो 90 हो गया, 90 को मैं उधर लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा ये 2x माइनस x, 2x माइनस का ये x प्लस का है तो कितना माइनस का x डिग्री, और ये 180 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ADC माइनस x डिग्री की वैल्यू ये आ गई, तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस x, 90 प्लस x डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, अब समझना आपको है, इसको एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप नोट डाउन करना और एक बार रिपीट करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 49, तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, उतार लिया होगा आपने, ठीक है, नहीं उतारा तो आप बैग जाके उतार सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 49, क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको गिवन है, इन गिवन फिगर AB इज द डायमीटर, AB क्या आपका डायमीटर, ये गिवन में लिख देना, और एक एंगल दे दिया आपको, एंगल BCD गिवन लिख देना आप, आपको निकालना है फर्स्ट एंगल BA, क्या निकालना है एंगल DAB, और सेकंड निकालना है एंगल DBA निकालना है। तो देखो सबसे पहले कौन सा निकालना है, DAB निकालना है, ये वाला निकाल दीजिए, लिख दीजिए ए बी सी लाई कर रहे हैं किस पे, सर्कमफेरेंस पे, तो क्या होगा ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक हो गया तो एंगल डी ए बी प्लस, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कितनी वैल्यू है एंगल डी बी सी डी 180 डिग्री हो गया, तो एंगल डी ए बी प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्री और ये 180 डिग्री, इसी को मैं लिख सकता हूं कि एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल डी ए बी माइनस करोगे तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ गई वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है ना, डी बी ये वाला, ये निकालना है आपको, तो देखो सबसे पहले ये कितना हो गया 90, क्यों हो गया हाफ सर्किल है इसलिए, ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं ए डी बी कितना 90 डिग्री है ना, लिख देना यहां पे जरूर कि सबस्टेंड एंगल क्या होता है सेमी सर्किल के अंदर 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है वो वाला, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है डी बी ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये निकालना है डी बी ए, इसकी वैल्यू कितनी 90 और इसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एंगल बी डी बी ए इक्वल टू ये कितना 140 उधर जाएगा तो माइनस 140, ये लीजिए माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया 40 डिग्री आ जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर 50, सेकंड का आंसर 40। अब आप इसके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 50, फिगर आपको गिवन है, ये लीजिए फिगर को बना देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये आपका डायमीटर है, इसका नाम ए क्यू ओ, ये एंगल आपको गिवन है कितना, नहीं गिवन, निकालना होगा शायद,
ठीक है, और ये आर है, ये एस है, ये एंगल क्यों है, कितना है 42। तो ए ओ क्यू ये 40 डिग्री है, ये आर हो गया आपका और वो टी हो गया और एस हो गया क्यू हो गया। ठीक है, आपको पी क्यू क्या दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है, पी क्यू क्या आपका डायमीटर, ये पी है आपका। ठीक है ना, गिवन में सबसे पहले आप लिख देना कि पी क्यू आपका डायमीटर है, लिख दिया होगा। ठीक है, एंगल आर ओ एस कितना है 40 डिग्री है, 42 डिग्री है। कैलकुलेट करना आपको, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आर टी एस निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, समझ आओगे। देखो आर ओ एस 40 है ये, ठीक है, यदि मैं ज्वाइन करवा दूं, या फिर एक काम देखो, ये आपका ऐसे है, ठीक है, यदि मैं दोनों को ज्वाइन करवा दूं, ये तो ये हाफ सर्किल हो गया, ये कितना हो गया आपका 90 हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस आर्क से देखना आप, सेंटर पे सबस्टेंड एंगल 42 है, और इसी आर्क से इस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो निकाल देता हूं मैं, आर्क आर एस एंगल आर ओ एस इक्वल टू डबल ऑफ एंगल आर पी एस, डबल हो जाएगा, सेम आर्क पे सबस्टेंड एंगल लिख देना, ये एंगल आर पी एस इक्वल टू 1/2, 1/2 ऑफ एंगल आर ओ एस। तो 1/2 आर ओ एस की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 21 डिग्री हो गया, ये 21 हो गया, ये 90 है तो ये 90 हो गया। ठीक है, लिख देता हूं मैं, एंगल पी एस टी प्लस एंगल पी एस क्यों इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है लीनियर पेयर से, तो एंगल पी एस टी इक्वल टू 180 डिग्री, ये पी एस क्यू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 90 है, सेमी सर्किल में सबस्टेंड एंगल है ना, ये 90 क्यों हुआ वो लिख देना आप, ये 90, तो ये भी कितना हो गया 90 हो गया, तो एंगल पी एस टी ये 90 हो गया। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए आप, तो ये 90 ये 21 तो ये आ जाएगा, ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल दो, या इन ट्रायंगल कौन सा पी एस टी ऐसे लिख दो, पी एस टी एंगल एस एंगल आर पी एस, इस पूरे को लिखो तो टी पी एस हो गया, प्लस में एंगल आर या पी टी एस इक्वल टू 180 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू कितनी 90, इसकी वैल्यू कितनी 21 डिग्री, और ये निकालना है, इसका नाम चेंज कर देता हूं आर, क्योंकि ये पूरा पी टी क्यू लिया मैंने, एस लिया तो आर टी ये ले लीजिए। ठीक है, आर टी एस इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल आर टी एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 21 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 69, आंसर कितना आएगा 69 वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन की आंसर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको आप नोट डाउन कीजिए दोनों क्वेश्चन को, चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे।
देखिए तो 51 क्या है, क्वेश्चन फिगर तो गिवन है आपको। इन गिवन फिगर पीक्यू इज द डायमीटर, पीक्यू आपका डायमीटर है, ये रहा पीक्यू, ठीक है, नीचे बना लेता हूं थोड़ा सा, ये पीक्यू। कोड एसआर इज द पैरेलल टू पैरेलल पीक्यू, ठीक है, ये कोड आपकी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है एस आर, ऐसे कुछ दिया हुआ है एक लाइन, ये लीजिए, और इसको भी ज्वाइन करवा देता हूं, ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ये एंगल दे दिया आपको कितना है 58 डिग्री, ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 58 डिग्री, ये लाइन आपकी पैरेलल है। और आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है, गिवन में आप लिख देना, जो लिखना आपको आपकी मर्जी लिख सकते हो, एंगल एस टी पी, एंगल एस टी पी, देखो देखना ध्यान से, ये निकालना है पहले आपको, ये है कहां पे, आर पी क्यू निकालना है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है, ये निकालना है ना भाई, देख लेता हूं एक बार, आर पी क्यू निकालना है, ठीक है, इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तो ये ज्वाइन करवाते ये डायमीटर है तो ये 90 हो गए, तो पहले मैं फर्स्ट में ये लिख सकता हूं मैं पी आर क्यू 90 क्यों है वो आप लिख देना, ठीक है, कि सेमी सर्किल में सबस्टैंड एंगल कितना होता है 90 होता है। चलिए अब इन ट्राइंगल पी आर क्यू में एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आपको निकालना है आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 58 डिग्री, और ये कितना एंगल पी आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, 90 इधर आएगा तो माइनस 90 58 आएगा तो ये 58, अब डायरेक्ट आप 90 में से 58 माइनस कर दीजिए, तो मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 डिग्री आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 32 डिग्री, ठीक है। अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी तो 32 होगा, ठीक है, तो सेकंड निकाल देते हैं, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, तो एंगल एस आर पी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल एस आर पी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब देखना थोड़ा सा, पी ये पॉइंट क्या था आपका, ये टी, पी टी एस आर लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, तो लिख सकता हूं पी टी एस आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ये साइक्लिक है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम इक्वल हो 180 होगा, और इसका और इसका 180 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एस टी पी प्लस एंगल एस आर पी इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल एस टी पी प्लस इसकी वैल्यू कितनी 32 इक्वल टू 180, एंगल एस टी पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री, माइनस करोगे तो इसका आंसर आपका कितना आएगा 48, है ना, 148 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।